हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस ब्लॉग पर जिसका नाम है एकता पटेल ब्लॉग्स। तो अभी तो मैं खेत आया था सुबह सुबह, लाइट अचानक से चेंज हो गई। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे, अचानक से लाइट आ गई तो मैं जल्दी जल्दी से खेत आया। और क्या है कि लाइट अचानक से, तो दो दो घंटे का मैं पानी चला रहा हूँ तो उसी कारण मैं जल्दी से आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जगह पर मतलब खेत में बना था क्या, मतलब उग नहीं पाई थी उतनी जगह पे, तो उसमें मैं पानी चलाने वाला हूँ। तो अभी आप लोगों को चल के दिखाता हूँ कहाँ पर नहीं जमा था और कहाँ पर मैं पानी चला रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, इतनी जगह पर जो है वो क्या कहते हैं, दाना नहीं जमा था, इस कारण इतनी जगह यहाँ जमा है, यहाँ और यहाँ जमा है, मतलब ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा नहीं जमा है, इसी कारण मैं यहाँ पर जो है पानी चला रहा हूँ। और इसके बाद थोड़ा सिफ्ट भी चलाऊँगा, मतलब ये नोज़ल पहले से लगा दिया है मैंने, इसके बाद इसी में कनेक्ट कर दूँगा तो दोनों एक साथ चल जाएंगे। तो फाइनली जो है पानी हो गया है वहाँ तक जहाँ जहाँ पर दाना नहीं जमा है। तो अभी इसको अटैच कर देंगे इस लाइन पर, यहाँ से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर से जो है अब अटैच कर दूँगा मैं इस लाइन पे, ताकि सारी जगह पे जो है इसका पानी हो जाएगा। तो ये पानी जो है चल रहा है, इतनी जगह नहीं जमी थी, बाकी आप देख सकते हो उसके थोड़ा आगे जमी है सही साथ। यहाँ पर हल्की सी ऊंचाई थी, इसी कारण जो है वो दाना नहीं जम पाया था। और थोड़ा पत्थर जो थे ना वो ऊपर बड़े बड़े बोल्डर निकल आए थे जुताई के टाइम पर। तो अभी सही हो जाएगा, पानी चल गया है क्योंकि। तो ये रहा खेत, अब इसके बाद चलना है इस वाले खेत में, इस वाले खेत में अभी चल रहा है इसमें। तो दोस्तों, मैंने जो है पाइप को अटैच कर दिया है इससे शिफ्ट से, तो ये भी चलने लगे हैं। तो अभी ये जो आप पेड़ देख सकते हो, ये वाला गिरा हुआ बेर का पेड़ है, तो ये इसलिए काट देते हैं, इसके नीचे क्या है कांटे गिर जाते हैं खेत में, तो इसी कारण वो मशीन होती है उससे कटवा दिया था। तो अभी इसकी छटाई नहीं हुई, तो छाट के इस मस्त आग लगा देंगे मेड़ में, तो मेड़ भी साफ़ हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो अच्छी नोज़ल भी अच्छे तेज़ चल रहा है। क्या इस टाइम पे ठंड के मौसम में वाटर लेवल थोड़ा ऊपर रहता है, इसी कारण नोज़ल भी अच्छा तेज़ चलते हैं, मतलब ऐसे नहीं चलते। उस टाइम में गर्मी के टाइम में थोड़ा स्लो हो जाता है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चल जाता है, तो इसी कारण पानी भी सही से नहीं देती मोटर। तो अभी तो एक नंबर पानी चल रहा है, नोज़ल भी सब के सही साथ चल रहे हैं। और ये देख सकते हो उसके बाजू में आप, वो तो वो जो है वो है खाद, हम लोग यहीं पर रख देते हैं यूरिया वगैरह। क्या है गांव से लाने पर बहुत ज़्यादा वो लगता है, मतलब बहुत दूर पड़ जाता है तो लाने में बहुत दिक्कत आ जाती है, तो इसी कारण हम लोग जो है वो खाद जो है यहीं पर रख देते हैं। तो अभी पहली खाद डाल के मतलब रिटर्न पानी चला रहे हैं, पहली खाद डाल दी थी एक बोरी कल डालूँगा, और उसके साथ सल्फ़र मिला रहे हैं, ताकि यूरिया में तो सिर्फ बढ़ती है और कलर आता है, लेकिन सल्फ़र में जो है कल्ले भी निकलते हैं, मतलब कि एक ये जो एक रहता है वो 3-4 कल्ले आते हैं पौधे के अंदर, बहुत सारे मतलब कल्ले फूटते हैं। और कोई कोई ये जुगाड़ भी करते हैं कि ना उसमें मतलब पाटा चला देते हैं, इतनी जब इतना इतना हो जाता है उसमें ऊपर से खम्भे टाइप का पाटा चला देते हैं, तो झाड़ मतलब पेड़ जो है पौधा झटक जाता है, इस कारण भी कल्ले फूटते हैं। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ तो कोई ट्राई नहीं करता है, मतलब अदर उसमें भी ही मैंने देखा है। अभी शिफ्ट चेंज हो गई, अभी लाइट भी चेंज हो गई है, वो 15 तारीख से चेंज होना था लेकिन 11 तारीख से ही चेंज कर दिया हम लोगों ने, पता नहीं क्यों। और लेकिन बताकर करना चाहिए, मतलब कि इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए कि लाइट चेंज होने वाली है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देना चाहिए। तो इसमें मैंने जो है बुआई की थी, आधे में कपलने की थी, तो ये रखी है हमारी खाद। अभी यूरिया बस डाल रहे हैं 30-25 किलो, ज़्यादा नहीं डाल रहे, 1 एकड़ में 25 किलो, और फिर रिटर्न पानी चला रहे हैं। क्या है इसमें थोड़ा कलर नहीं डाउन हो पाता है पौधे का, और एक सा बना रहता है, नहीं तो पीला पाना जाते अगर लेट कर देते हैं तो। और जिसमें इसके बाद इन दोनों खेत खंडों के बाद उसमें चलाना है,
उसमें भी अभी मतलब रोटर वगैरह वेटर वगैरह नहीं चलाते हैं, ऐसे क्रॉसिंग बुआई कर दी थी तो सही साठ जम आया था दाना। तभी देखते हैं उसमें भी, तो यहाँ पर बिल्कुल पानी भरने के बाद भी, मोनू भैया का खेत है, पानी भरने के बाद भी अच्छी जमाई है गेहूँ। यदि जुताई होती तो उतना खास ना जमता, लेकिन ऐसे डायरेक्ट में अच्छा जम गई है। तो ये मेड़ थी, मैंने इसमें रैपर मार दिया था, इसमें बहुत बड़ी बड़ी घास थी, इसमें वो सारी सब कुछ ठीक हो गई है। और ये रही, इसमें क्रॉसिंग पानी चलाकर तो वहाँ में क्रॉसिंग बुआई कर दी थी, तो बहुत अच्छी जमी है ये, तो मेरे को तो बहुत सही लग रही है। मतलब कि एक तो डीजल बच गया और खर्चा भी बच गया और समय भी बच जाता है, और अच्छा निकला है दाना। ऐसा नहीं कि कोई कहीं बिर्रा कहीं घना, सब एक बराबर जमा है और बहुत अच्छा जमा है। आप लोग भी देख सकते हो, इसमें दाना एक नंबर एक सा जमा है। तो मेरे को तो यही लगा कि पानी चला दो अच्छा जब पड़ जाए खेत, तो उसके बाद सीधे क्रॉसिंग बुआई कर दो, पूरा खेत एक नंबर हो जाएगा। और गेहूँ भी सही जमी है, कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें रोटर वेटर चला उसके बाद भी देखो कहीं जमी है कहीं नहीं जमी है, तो ये फ़र्क है।